Today we are reading lesson 15 in memoriam, Smriti me. So first line, health enough to make work a pleasure. इस poem में कह रहा बेटा हमारी जो health है वो खुशियों के लिए पर्याप्त है. हमारी जो health होती है वो खुशियों के लिए बहुत ही पर्याप्त होती है. अगर हम इसकी अलग तरीके से सोचें तो हम यदि हेल्थी रहेंगे तो हम ज़्यादा खुश रह सकते हैं. हेल्थ ही हमारा खुशी का पैमाना होना चाहिए. फिर दूसरी बात हमने लिखी है कि वेल्थ इनफ टू सपोर्ट योर नीड्स. धन जो है वे आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है. जो धन होते हैं वो आपको आपकी जितनी आवश्यकता है वो उतने ही पूर्ति के लिए ज़रूरी होना चाहिए, नहीं तो अधिक धन आपको दुख भी दे सकता है. फिर नेक्स्ट लाइन लिखी है, स्ट्रेंथ इनफ टू बैटल विथ डिफ़िकल्टीज एंड ओवरकम देम. जो स्ट्रेंथ मतलब शक्ति या ताकत है वो युद्ध और कठिनाइयों से बाहर आने में मदद करती है. मान लो यदि हम किसी युद्ध में लड़ रहे हैं तो हमें हमारे पास जो ताकत है वे हमें उनसे बाहर आने में मदद करती है. नेक्स्ट लाइन लिखी है, ग्रास इनफ टू कन्फेस योर साइन एंड फॉरसेक देम. जो हमारी गरिमा है, जो ग्रेस है, जो गरिमा है वो हमारी पापों को मिटाने में सहायक है. हमारे जो गरिमा बनाए रखी है हमने, वे हमें जो पाप कर सक हम लोग करते हैं उसको कम करने में, ओवरकम करने में मदद करती है. गरिमा मतलब हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक प्रकार का हमारे पास गरिमा होती ना हमारी, वे उसको सुधार कर सकते हैं हम लोग, उसको पापों को मिटाने में मदद कर सकती है. फिर पेशेंस इनफ टू टॉयल अनटिल सम गुड इज अकम्प्लिश्ड. पैसेंस मतलब धैर्यपूर्वक परिश्रम करना, धैर्यपूर्वक परिश्रम करना चाहिए जब तक कि कुछ अच्छा नहीं हो जाता. कई बार दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि हम कई सारे कार्य करते रहते हैं लेकिन हम अपने अंदर पैसेंस या धैर्य नहीं रख पाते, तो हम क्या हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं. फिर उसके रिजल्ट कुछ ऐसे मिलते हैं जिससे कि हम परेशान होने लगते हैं, फिर ऐसा लगता है कि हम इस काम को छोड़ दें फिर उस काम को पकड़ लें. तो इस वजह से हमारे पास पैसेंस रखना बहुत ज़रूरी है. तो पैसेंस हर काम में रखना ज़रूरी है, पढ़ाई के क्षेत्र में हो या फिर हर फील्ड में हो, बिजनेस के फील्ड में हो. नहीं तो क्या होगा कि हम जल्दी जल्दी रिजल्ट मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता. कोई भी चीज़ के लिए पैसेंस रखना बहुत ज़रूरी है. लाइफ में भी पैसेंस रखना बहुत ज़रूरी है. फिर लिखा है, चैरिटी इनफ टू सी सम गुड इन योर नेबर्स. जो आप दान करते हैं, चैरिटी करते हैं, वो हमारे पड़ोसियों में कुछ अच्छा देखने के लिए पर्याप्त है. दान करते हैं तो दान करते समय आपके आजू बाजू जितने लोग रहते हैं वे जो कुछ भी देखते हैं तो वे आपको देख करके आपके ऊपर की एक एक छवि बनाते हैं और वे देखते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है कि ये जो व्यक्ति है ये चैरिटी करता है, दान देता है, तो उनको देखने में अच्छा लगता है. वैसे चैरिटी तो हमारे हिसाब से करना ही चाहिए. चैरिटी करने से हमें ऐसा लगता है कि हम किसी दूसरों की मदद कर रहे हैं, जो किसी अनाथ है या फिर कोई असहाय व्यक्ति है इनकी मदद करना ज़रूरी है. लव इनफ टू मूव यू टू बी यूजफुल एंड हेल्पफुल टू अदर. प्रेम जो है वे दूसरों को मोड़ने के लिए मददगार है. लव इनफ टू मूव, प्रेम जो है वो दूसरों को मोड़ने के लिए हेल्पफुल मतलब मददगार है. तो प्रेम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि यदि हम किसी के प्रति या किसी एनिमल के प्रति, इंसान के प्रति, ह्यूमन के प्रति प्रेम दिखाएं तो वे क्या करता है कि दूसरे लोग हमारे से जो दुख हैं, दुखी हैं, वे उनको हमारी ओर मोड़ने में मदद करता है. इसीलिए हमेशा हमारे अंदर प्रेम बनाए रखना बहुत ज़रूरी है. फैट इनफ टू मेक रियल थिंग्स ऑफ गॉड. गॉड ईश्वर में विश्वास रखने के लिए वास्तविकताओं को बनाने में सहायक है. विश्वास सॉरी
विश्वास जो है ईश्वर की वास्तविकता को बनाने में बताने में सहायक है। कोई भी काम हम विश्वास के साथ करें और हम उस विश्वास में भगवान का नाम लें तो वो बहुत ही कारगर और सिद्ध होता है। होप इनफ टू रिमूव ऑल एनेक्सियस फियर कंसर्निंग फ्यूचर, जो उम्मीद है वे भविष्य की चिंताओं को हटाने के लिए पर्याप्त है। मान लो आज हमारे पास कोई चिंता है तो हम यदि हम उसको बोले कि कल वो दुख हट जाएंगे, आज हमारे पास दुख के बादल मंडरा रहे हैं तो वे कल सुख के बादल तो अब जरूर आएंगे, तो हम ऐसा कर करके इस लाइन से जो उम्मीद है वो भविष्य फ्यूचर में कंसर्निंग फ्यूचर में चिंताओं को हटाने के लिए पर्याप्त है। और ये जो पोयम लिखी है वो है जॉन डब्ल्यू ऑन जॉट, बहुत ही अच्छी पोयम है जिसमें हमें हेल्थ, धन, वेल्थ, स्वास्थ्य, धन, स्वास्थ्य, ताकत, पेशेंस, चैरिटी, प्रेम, भगवान पे भरोसा और भविष्य में होने वाली घटनाओं को एक साथ दर्शाया गया है। इसके बाद बच्चों हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर लेसन के। तो क्वेश्चन लिखा है कि व्हाई इज गुड हेल्थ नीडेड, अच्छी हेल्थ क्यों आवश्यक है। तो अच्छी हेल्थ हमने अभी समझा है कि अच्छी हेल्थ गुड हेल्थ इज नीडेड टू मेक वर्क अ प्लेजर, जो काम को खुश बनाने के लिए अच्छी हेल्थ की आवश्यकता होती है। फिर है हाउ मच पेशेंस डज अ पर्सन नीड एंड वाई, एक व्यक्ति को धैर्य की कितनी और क्यों कैसे जरूरत पड़ती है। तो आंसर आएगा अ पर्सन नीड्स अ लॉट ऑफ पेशेंस, एक व्यक्ति को अच्छा करने के लिए बहुत सारे धैर्य की जरूरत पड़ती है। टू ट्वाइल अंटिल सम इज अकम्प्लीस्ड, और व्यक्ति को अच्छा करने के लिए कम्प्लीस्ड मतलब कुछ अच्छा करने के लिए धैर्य की जरूरत पड़ती है। फिर है व्हाट डज अ पर्सन नीड स्ट्रेंथ फॉर, तो आप कह रहा है कि कठिनाइयों से युद्ध के लिए कैसे बाहर आ जा सकता है। तो कह रहा है कि अ पर्सन नीड्स स्ट्रेंथ टू बैटल विथ डिफिकल्टीज एंड ओवरकम देम, कठिनाइयों से युद्ध से बाहर आने के लिए हम शक्ति का उपयोग कर सकते हैं और शक्ति के माध्यम से उससे बाहर आ जा सकता है। फिर है हाउ शुड बी ब्रेव विथ अ नेबर्स, हम पड़ोसी के साथ कैसा व्यवहार कर सकते हैं। तो इसका आंसर यही बन जाएगा कि वी बिहेव विथ अ नेबर्स, हम पड़ोसी के साथ गुड नेचर अच्छा बिहेव कर सकते हैं। तो गुड बिहेव, गुड बिहेव कर सकते हैं। इसके बाद है कंप्लीट द पैराग्राफ, अ पर्सन शुड हैव अ फीलिंग ऑफ लव सो दैट दे कैन, एक व्यक्ति को प्यार के साथ क्या महसूस करना चाहिए। तो ब्लैंक्स आएगा बी हेल्पफुल टू, प्यार के साथ वह दूसरों की मदद कर सकता है। एंड प्रूव देमसेल्फ टू बी, और उसे क्या सिद्ध करना चाहिए कि वह दूसरों के लिए यूजफुल हो, उपयोगी हो। फॉर देम द मस्ट ऑलवेज बी, और ज़्यादा से ज़्यादा वो दूसरों के लिए आशावादी हो, होपफुल हो। एंड शुड नॉट एनेक्सियस अबाउट द फ्यूचर, वह दूसरों और वह फ्यूचर की चिंता ना करता हो। फिर है सी फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पोयम विच मीन द सम एज द फेलो विंग, ये कह रहा है कि इनसे जो शब्द मिलेंगे उसको क्या कह सकते हैं। तो टू स्टॉप डूइंग समथिंग, कुछ करने से रोकना क्या कहलाता है, फॉरसेक। फीलिंग वरीड नर्वस, अच्छा जो चिंता करता है, जो नर्वस रहता है उसे हम क्या कहते हैं, एनेक्सियस।